तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कैसे आप किसी भी ओरिजिनल गाने में से थोड़ा बहुत लूप वगैरह काट करके अपने मतलब भर का एक कैराओके ट्रैक बना सकते हो बड़ी आसानी से। नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिजीत शाह, और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल में, जहां पे हमारा मकसद है टू बी अ बेटर म्यूजिशियन एवरी डे। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत से लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने एक छोटा सा गाना डाला था। ऐसा ही बहुत सारा कॉन्टेंट मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए बनाता रहता हूँ, तो अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो आप जरूर जुड़िए वहां पे मेरे साथ में। इट्स Instagram/Arijit Saha Official, यहाँ नीचे लिंक भी दिया हुआ है उसका। तो मेरे ऐसे बहुत सारे लोग Instagram के लिए छोटा मोटा ऐसा कंटेंट बनाना चाहते हैं कि जो कि प्रोफेशनल तो साउंड करे या दिखे भी अच्छा, पर बहुत कम लिमिटेड टाइम में बन जाए। वाकई टाइम क्रंच एक बड़ा फैक्टर रहता है। उसके अलावा भी आप कई बार ऐसा सोचते होगे कि यार इस गाने का कैराओके नहीं मिल रहा है, तो एक वायबल ऑप्शन है बड़ी ही आसानी से एक गुड क्वालिटी कैराओके ट्रैक निकालने का अपने लिए, वो भी यूजिंग द ओरिजिनल सॉन्ग। तो इस एक सिंपल सी टेक्निक से आप बहुत सारे गानों में से ऐसा जिसमें लूप्स वगैरह थोड़ा बहुत अवेलेबल रहता है उनके बीच में से काट पीट करके आप ऐसा बना सकते हो। कुछ एक गाने होंगे जिसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा, तो उनके लिए भी दूसरे अलग अलग किस्म के उपाय होंगे। तो आने वाले सीरीज में अगर बहुत लोग ऐसी क्वेरीज करते हैं तो मैं कुछ और टेक्निक शेयर करूंगा जिससे आप ऐसा कैराओके ट्रैक्स बना सकते हो अपने लिए। तो ये जो सॉन्ग है ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, और डाउनलोड करने के बाद सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इसे अपने DAW में इम्पोर्ट किया, और ये टेक्निक तो वाकई में किसी भी DAW में चल सकता है। तो मैं आपको ये स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे आपने इसको इम्पोर्ट कर लिया एक ट्रैक में, और उसके बाद में आप जाकर के इसमें मीटरिंग में जाकर के BPM वाला काउंट लगा सकते हो, या आप अलग तरीके से जैसे मेरे कीबोर्ड में टैप टेम्पो वाला ऑप्शन है, या और भी कोई सारा दूसरी जगह पे आपको टैप टेम्पो वाला ऑप्शन मिलेगा, तो वहाँ पे भी आप ऐसा टैप करके भी BPM निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से। एक ये भी बहुत आसान तरीका है BPM निकालने का कि आप इसमें BPM वाला प्लगइन डाल दीजिए, और फिर उसके बाद में हम गाने को प्ले होने देते हैं और ये बताएगा कि BPM क्या है हमारा। हर दिल में है। जैसे कि ये गाना काफी टाइम पहले बना हुआ है, तो और इसमें काफी एलिमेंट्स ना लाइव ट्रैक किए गए हुए हैं, तो थोड़ा बहुत आगे पीछे है टेम्पो का, तो सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। तो हम जैसे अलग अलग जगह का अगर हम एवरेज निकाल ले, कहीं पे 129 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है, तो कहीं 103 दिखा रहा है, 103.2 दिखा रहा है, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया रहता है कि जहाँ पे मेन ग्रूव बज रहा हो वहाँ पे आप बीट्स कैलकुलेट करें, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा ट्रांजिएंट होते हैं, तो सॉफ्टवेयर को उन ट्रांजिएंट्स को कैलकुलेट करके BPM निकालने में आसानी रहती है। तो एवरेज करके हम ये मान के चलते हैं कि इसका BPM 103 रहा है। तो वही जो BPM है हमारा, हम अपने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में आए और यहाँ पे चेंज कर दिया हमने 103। बाय डिफॉल्ट लॉजिक प्रो एक्स में जब आप लॉजिक प्रो एक्स को खोलते हो तो 120 BPM पे रहता है। एक बार जब आपने ये सारा चीज कर लिया है, उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसमें से कुछ लूप्स ढूंढते हैं। जैसे कि सबसे पहला स्टार्ट करने के लिए लूप बहुत अच्छा रहेगा, तो मैं ऐसा करता हूँ इसको शुरू में एक बार पे लगाता हूँ यहाँ पे, जैसे इसको थोड़ा सा पॉलिश करके लगाना पड़ेगा। क्लिक भी ऑन करता हूँ मैं साथ में, यहाँ पे देख सकते हैं कैसा है ये, थोड़ा सा पीछे जैसे खिसका हुआ, मैं यहाँ से लेता हूँ इसको। ये यहाँ पे परफेक्ट तो है, मैं ऐसा करता हूँ इसको काटता हूँ पहला लूप निकालने के लिए। ओके जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैंने किसी कारणवश स्नैपिंग ऑफ किया हुआ था, तो इसमें मैं स्नैपिंग ऑन कर लेता हूँ, और यहाँ पे दो ऑप्शन है एब्सोल्यूट और रिलेटिव में। बाई डिफॉल्ट लॉजिक प्रो एक्स हमेशा स्नैप रीजन्स टू रिलेटिव वैल्यू में रहता है, अभी इस पर्पज के लिए हमको स्नैप रीजन्स टू एब्सोल्यूट में रखेंगे तो फायदे में रहेंगे हम थोड़ा सा। तो इससे होगा ये कि हम चाहे जहाँ पे भी काटें उसको तो खिसकाएगा बिल्कुल बार टू बार या बीट टू बीट ही। तो पहला एक्चुअली ग्रूव हमारा ये होना चाहिए, बट क्योंकि ये जैसे ही एंड होता है और उसके बाद जमा वाली लाइन आ जाती है, तो हर बार एक ग्लिच जैसा इफेक्ट आएगा और वो रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ये एंड वाला जो बार है मैं इसका ले लेता हूँ यहाँ से, और ऐसा करके और यहाँ पे मैंने ये फेड वाला टूल ले लिया है और कमांड के साथ मैं इस्तेमाल करूँगा, तो फेड वाला टूल ऐसे चलेगा। तो अब मैं इसको लूप करके देखता हूँ,
तो बेसिकली ये हमारा पहला परफेक्ट लूप हो गया इस गाने का. आगे का हिस्सा हम हटा देते हैं, तो पहले ये वाला इस्तेमाल कर लेते हैं यहाँ पे. मे बी हम इसको दो बार इस्तेमाल करेंगे. हर गाने के लिए आपका अपना अपना रिक्वायरमेंट होगा, इसमें मैंने ऐसा ही कुछ किया है. तो उसके बाद दूसरा और एक क्या ऑप्शन है जो इस गाने में है जो हम निकाल सकते हैं वो देखते हैं. तो क्योंकि मैंने ये गाना बहुत अच्छे से सुना हुआ है तो मुझे याद है कहाँ कहाँ पे ये एलिमेंट्स है काटने के लिए. तो आपको जो भी जिस भी गाने का बनाना होगा उसका आप ऐसे सुनते रहोगे तो आपको उसका आइडिया लग जाएगा. तो अब इसमें ऐसा है, ये जो लूप है ये है, ये चार बार है यहाँ पे, ये ऑलमोस्ट एग्जैक्ट टाइप का है. इसमें दो बार के बाद रिपीटेशन, तो हमको ऐसा करना है ये हूँ वाली लाइन हमको नहीं चाहिए, ठीक है. तो हम यहाँ कट लगाते हैं एक, अब से यहाँ पे जवा दिल का ज शुरू हो जाता है तो इसलिए हम इधर वाले से एंड इसका इस्तेमाल करते हैं. तो अब ये कुछ ऐसा होना चाहिए. बाय द वे कमांड यू प्रेस करोगे ना तो साइकिल लूप होगा आसानी से. ये एक प्रो टिप है फास्ट काम करने के लिए. तो आप देख सकते हो कि ये हमारा दूसरा और एक परफेक्ट लूप आ गया. तो हम इसको उठाते हैं और इसको पेस्ट करते हैं यहाँ पे और फिर इसको भी रिपीट करेंगे. और जहाँ जहाँ पे वैसा रहेगा वहाँ पे हम क्रॉस फेड्स क्रिएट कर सकते हैं ताकि वो ग्लिच किटिक पिटिक वाली थोड़ी सी भी जो आवाज़ है वो आए नहीं. तो आफ्टर ये चीज़ हो गया है हमारा, फिर देखते हैं आगे चलते हैं. ये एक अच्छा लूप है, इसे काटेंगे. इसमें भी मैं सिमिलर यही वाला फंडा इस्तेमाल करूंगा. इसको हटा देता हूँ आगे का और इनको आगे पीछे कर देता हूँ. अब देखो ये परफेक्ट लूप भी हो गया और स्टार्टिंग वाले वोकल्स भी हमने हटा लिए और एंड वाला वोकल्स भी हमने हटा लिया. अब यहाँ से हम एक रोल भी काटेंगे, बताता हूँ कैसे होगा वो. और इन्हीं में से ये जो ओरिजिनल रोल्स हैं उनको इस्तेमाल करके ट्रांजिशंस क्रिएट करेंगे. ओके, तो ये भी एक परफेक्ट हमारा वो मिल गया हमको लूप. तो जहाँ पे हमको ये चाहिए होगा उसको हम वहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इस गाने में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. और उससे पहले मैंने सारा यही इस्तेमाल किया है. तो ये ऐसा ऐसा रहा है, फिर ये इधर रहा है एंड देन अच्छा ये भी रिपीट हुआ है. और एक बार अभी जब आप गाने को दोबारा से सुनोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है मैंने. और ये जो पार्ट है इसका, यहाँ पे रोल आता है ये. तो पूरा लूप तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा वोकल्स भी आता है एंड में. पर हमको चाहिए अगर इतना लंबा तो इसके लिए हमको इसको भी थोड़ा काट पीट के थोड़ी सी सेटिंग करनी है. देखते हैं क्या कर सकते हैं इसके लिए. तो जैसे ये सीधा सीधा आएगा यहाँ से तो ये बड़ा एब्रप्ट लगेगा इवन वोकल के पीछे आने के बावजूद भी. तो अगर हमको ऐसा मिल जाए कि ये ट्रांजिशन यहाँ पे आ जाए और ये हमको वोकल नहीं चाहिए तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि सिंपली इधर बीच में काट के. डजंट इट साउंड परफेक्ट, है ना. तो ऐसा ट्रांजिशन मिल गया. तो हमारा इसके साथ में अभी आप अगर देखोगे तो जो मैंने वोकल्स ट्रैक किए हैं वो ऐसा साउंड करता है. तो दैट्स इट, मतलब आपने जहाँ जहाँ पे आपको जैसे वोकल्स चाहिए थे आपने वो कर लिया. तो पहला जो प्रोग्रेशन आया जवां दिल में हो जीने की उमंग उसके संग हो दिल में प्यार की तरंग. इसके बाद थोड़ा सा अपना फील और थोड़ा एक्स्ट्रा डालने के लिए ऐसा हो जा, इससे थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बन सकता. जवां दिल में
जीने की उमंग अभी उसके संग हो गया उसके ऊपर दिल में प्यार की तरंग। तो अब क्योंकि ये बेस गिटार एड ऑन हो गया ऑन टॉप ऑफ दैट खुदा का ही रंग दिल से खेल जो होगी उससे अपनी जंग दिल से मत खेल। और उसके बाद जब आपने काट पीट करके ये बना लिया और उसके बाद तो आपको जो थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस ट्रैक को थोड़ा सा कंप्रेस करना पड़े EQ करना पड़े तो और वो मिक्सिंग का फेज है। तो मिक्सिंग का फेज तो हर गाने के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहता है चाहे आपको कैराओके मिला हो चाहे आप ऐसे काट के बना रहे हो। इस चैनल पे और भी बहुत सारे मिक्सिंग रिलेटेड छोटे मोटे वीडियोस हैं और आपकी जो भी क्वेरीज हो आप मुझे वो यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हो। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा वीडियोस बनाने के लिए ताकि आपके वो क्वेरी सॉल्व हो पाए। काफ़ी सारे लोगों को मास्टरिंग को लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं। मैं कोशिश करूंगा कि 2-4 अलग अलग वीडियोस में अलग अलग तरीके की आपकी क्वेरीज को मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वीडियो से हमने कुछ अच्छी जानकारी ड्रॉ करी होगी और आपको मज़ा आया होगा ये वीडियो देख करके। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसका सोल मकसद है कि आप सबका हेल्प हो पाए। अगर आपको भी लगता है कि आपके और भी फ्रेंड्स हैं जिनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत है तो आप इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करो। जैसा होता है ना खुशी बांटने से बढ़ता है नॉलेज भी बांटने से बढ़ता है। मैं जैसे ये सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ तो काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट मेरा भी रिवाइज हो रहा है। बहुत सारी चीज़ों के बारे में मुझे थोड़ा डीप में जा करके सोचना पड़ रहा है बिफोर सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। डेफिनेटली इट्स अ विन विन सिचुएशन। मज़ा भी आ रहा है आप लोग का रिस्पॉन्स देख करके। तो प्लीज़ ताकि और भी बहुत सारे लोगों की मदद हो पाए तो आप इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर। और ये आप ही का चैनल है आप लोग के लिए ही है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करो। और आपको मुझसे जो भी कहना हो आप यहाँ कमेंट करके भी कह सकते हो और बाकी सारा सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम फेसबुक सब कुछ यहाँ पे मैंने दिया हुआ है आप वहाँ जाकर के कह सकते हो। तो हम जरूर मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। इसी उम्मीद के साथ में मैं आप सबसे इजाजत लेता हूँ। नमस्कार धन्यवाद।